राखल गेल है। सामा भाई बहन के पबनी होई है, सामा चकेवा खेलल जाय है, ओहिमे सब चीज होई है, उहे से सामा के शुभ मानल जाय है। मिथिला अपनी लोक संस्कृति पर्व त्योहार और पुनीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के कई त्योहार हैं। उनमें सामा चकेवा छठ पारण के दिन से शुरू हुआ लोक पर्व की समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा रविवार को सामा की विदाई के साथ हो गया। आज की संध्या अन्य दिनों की भांति सामा खेलने व सामा का गीत गाने के बाद बेटी की विदाई की तरह सामा की विदाई की गई। परंपरा के अनुसार बहनों ने सामा चकेवा को चूरा दही गुड़ और मिठाई से मुंह जूठा कराया, साथ ही देवी और सामा चकेवा गीत गाए। बहनों ने भाइयों को गुड़ चूरा मिठाई आदि दिए। इसके बाद भाइयों ने घुटने के सहारे अपने हाथों से सामा चकेवा सहित सभी निर्मित मूर्तियों को तोड़ डाला। फिर विदाई गीत समदाउन प्रारंभ की गई। महिलाओं ने अपने डाला में दीप जलाया और बाजे गाजे के साथ समदाउन अर्थात विदाई गीत गाते गाते खेत में विसर्जन करने चल पड़ी, जहां शहर घाट में युवतियों एवं महिलाओं ने सुसज्जित विभिन्न आकृतियों वाले आकर्षक डाली बनाकर उसमें सामा को बिठाकर बाजार स्थित धौस नदी के किनारे खेत में विसर्जित कर दिया। शहर घाट मधोपुर मुखियापट्टी उतरा बलवा समेत अन्य गांवों में नम आंखों से सामा को विदाई दी गई। रविवार की संध्या सामा की विदाई करने आए लोगों की संख्या काफी देखी गई। वहीं अधिकांश लोगों द्वारा सामा की विदाई आज ही की गई है। मौके पर आइए सुनते हैं विदाई में आई महिलाओं ने सामा चकेवा की परंपरा के बारे में क्या कुछ कहती है। कौन चीज के ये भसान हुए है? सामा के बारे में जो है कुछ विशेष की राखल गेल है। सामा भाई बहन के पबनी होई है, सामा चकेवा खेलल जाय है, ओहिमे सब चीज होई है, उहे से सामा के शुभ मानल जाय है। खरना के चालू होइए आ पूर्णिमा के सामा भसे है, ओहि दिना बढ़िया शुभ मानल जाय है, पूर्णिमा बढ़िया दिन होइए। कौन चीज के पर्व छै? कौन भाई बहन के पबनी होइ छै। अच्छा, और भाई बहन के पबनी दिन भाई बहन के सामा खेलल जाय छै। अच्छा, ठीक। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।